बॉस बॉस, मुझे उस शैतान पुजारी की बू आने लग गई है। अचानक आगे बढ़ते हुए जोसेफ ने यकलक चीखकर कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। कहां से आ रही है बू? क्या वही पहले वाली जगह से? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, वो जगह तो अभी काफी दूर है, जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वो एक बार फिर उछल पड़ा। उसके चेहरे पर तश्वीश के आसार ऊपर आए थे। अरे अब क्या हुआ? क्या किसी परी की बू आ गई है तुम्हें? इमरान ने कहा तो सब साथी बेख्तियार हंस पड़े। बॉस, उस शैतान पुजारी के साथ साथ मुझे किसी शैतान जिन की भी बू आने लग गई है, जोसेफ ने कहा। शैतान जिन? क्या मतलब? इमरान ने इस बार चौंक कर और संजीदा लहजे में कहा। बॉस, ये बू उस गम्बाटा जिन से मिलती जुलती है जिससे आपकी फाइट हुई थी और उसे आग के अलाव में डालकर फना कर दिया गया था। ये बू बता रही है कि ये जिन है और शैतान का दरबारी है और इस गबाटा जिन से ज्यादा ताकतवर है, जोसेफ ने जवाब दिया तो इमरान के चेहरे पर संजीदगी सी छा गई। ओन है, इसका मतलब है कि शरीफ आदम ने अपनी हमायत में किसी जिन को बुलवाया है। अब जिन तो इस सूरत में असले से हलाक हो सकता जब वो आदमी के रूप में हो, वरना नहीं, इमरान ने तश्वीश भरे लहजे में कहा। बॉस, उसे मैं लड़ूंगा, मैं उसका खात्मा कर दूंगा, जोसेफ ने कहा। तुम चलो तो सही, पहले हम उस गार में दाखिल तो हों, फिर देखेंगे कि क्या होता है। इमरान ने कहा तो जोसेफ ने सर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। फिर वो मुड़ गया और थोड़ी देर बाद वो एक गार के खुले दहाने के पास पहुंच गया। बस इस गार में वो शैतान पुजारी भी मौजूद है और वो शैतान जिन भी, जोसेफ ने रुक कर कहा। टाइगर, तुम्हारे पास बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल है, वो निकालो, इमरान ने टाइगर से कहा। नहीं बॉस, ये गैस से बेहोश नहीं होंगे, जोसेफ ने कहा। क्यों? इमरान ने चौंककर कहा। बॉस, गैस इंसानों पर असर करती है, शैतान शक्तियों और जिन्नों पर नहीं। अलबत्ता एक काम हो सकता है अगर आप इजाजत दें तो, जोसेफ ने कहा। कैसा काम? खुलकर बात करो, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। आप मुझे अंदर जाने दें, मैं इसको बाहर निकाल लाऊंगा। बाहर खुली फिजा में आकर उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी और फिर उसे पकड़ा जा सकता है और हलाक भी किया जा सकता है, जोसेफ ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ बाहर खड़े रहें और तुम अंदर जिन्नों और शैतानों से लड़ते रहो, इमरान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। इमरान साहब, मुकद्दस कलाम की मौजूदगी के बावजूद हम उस तरह इन शैतानों से क्यों खौफजदा हो रहे हैं? साले ने कहा। इस शरीफ आदम ने अगर हमारे खिलाफ इस जिन को बुलाया है तो कुछ सोचकर ही बुलाया होगा। उसे यकीनन मालूम होगा कि हमारे पास मुकद्दस रोशन कलाम है, इसलिए उसे खुद हम पर हाथ डालने की जरूरत नहीं हो रही। तो यकीनन इस जिन में कोई ऐसी खासियत होगी कि उसे यहाँ बुलाया गया है, इमरान ने कहा। तुम चाहते क्या हो? अगर तो इस शरीफ आदम का खात्मा तुम्हें चाहिए तो फिर हम गार में झाड़ियां डालकर आग लगा देते हैं। लाजमन जब धुआं अंदर भरेगा तो फिर ये शैतान पुजारी बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा और लाजमन उसके पीछे वो जिन भी बाहर आ जाएगा और फिर उससे दो हाथ हो जाएंगे, जोलिया ने कहा तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। वेरी गुड, तुमने वाकई बेहतरीन तजवीज सोची है। इस तंग जगह की बजाय खुली जगह पर उसका खात्मा आसानी से हो जाएगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे खुश्क झाड़ियां तलाश कर रहा हो। ओह ओह, यहाँ लोग मौजूद हैं। इस चट्टान के पीछे मैंने झलक देखी है, वो महापुरुष हैं। वही सुर्ख रंग की यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई है, इमरान ने कहा। पहले उनका खात्मा कर लें वरना ये हमें अकब से निशाना बनाएंगे, जोलिया ने कहा।
हाँ आगे बढ़ो। इस तरह जैसे हम पहले बढ़ रहे थे, फिर हम अचानक साइडों पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फायर खोलना, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही वो सब इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ने लगे। ये आसानी से हम पर फायर खोल सकते हैं, जूलिया ने कहा। शायद उन्हें कोई खास हुक्म दिया गया है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने अपने साथियों को साइड में जाने का कहा और खुद तेजी से खोता मार कर साइड में एक चट्टान के पीछे पहुंच गया। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की और फिर चंद लम्हों बाद ही वो चट्टानों की ओट लेते हुए उनके अकब में पहुंच गए। वो चार आदमी थे और चारों के पास मशीन गन्ने थी और वो चट्टान के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन अब वो उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे रेट रेट की आवाजों के साथ ही इन चारों के हल्क से चीखें निकली और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगे, तो इमरान उठकर तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ता चला गया। उनमें से तीन तो साकित हो चुके थे जबकि एक अभी तक तड़प रहा था। इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रख दिया। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो, इमरान ने पैर को घुमाते हुए कहा, तो उस आदमी का तड़पता हुआ जिस्म मजीद तड़पने लगा। अशोक, इस आदमी ने रुक रुक कर कहा, तो इमरान ने पैर को वापस कर दिया। तुम यहां अचानक कैसे पहुंच गए, इमरान ने पूछा। हम काशान गांव में थे, वहां महाराज शरीफ़ादम की एक शक्ति आई और उसने हमें कहा कि महाराज का हुक्म है कि हम मुकद्दस पहाड़ के बड़े गार के पास छुपकर पहरा दें, बाकी शियाई दुश्मन अगर उस गार से जिंदा बाहर निकलें तो हम उन पर फायर खोल दें, और फिर इस शक्ति ने पलक झपकने में हमें यहां पहुंचा दिया, अशोक ने जवाब दिया। तुमने जब हमें देख लिया था तो फिर हम पर फायर क्यों नहीं खोला, इमरान ने कहा। हमें हुक्म दिया गया था कि जब ये गार से बाहर आए तब हम उन पर हमला करें, इसलिए हम खामोश रहे थे, अशोक ने कहा, तो इमरान ने पैर को एक झटके से आगे कर दिया। अशोक का जिस्म एक लम्हे के लिए जोर से तड़पा और दूसरे लम्हे साकित हो गया। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थीं। हम इस बार वाकई बाल बाल बचे हैं, अगर यहां पर फायर खोल देते तो हम में से कोई ना कोई ला महला खत्म हो जाता, इमरान ने कहा, तो सबने असबात में सर हिला दिए। अब क्या प्रोग्राम है, इमरान साहब, साले ने कहा। प्रोग्राम वही है, इस शरीफ़ादम का खात्मा करना है, लेकिन जोसेफ ने इस जिनकी मौजूदगी की बात करके मुझे चौंका दिया है। अब मुझे इस सिलसिले में कोई लाहे अमल बनाना होगा वरना मामलात बिगड़ भी सकते हैं, इमरान ने कहा। तो फिर वही जाड़ियों वाली तरकीब पर अमल क्यों ना किया जाए, जोलिया ने कहा। नहीं, ये लोग शैतानी ताकतों के मालिक हैं। टाइगर, तुम्हारे बैग में पानी की बोतल मौजूद है, वो मुझे दो, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने बैग में से पानी की एक बोतल निकालकर इमरान को दे दी। अब तुमने खामोश रहना है, मैं इस पानी पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दूंगा, उसके बाद मैं इस पानी को गार के अंदर फेंक दूंगा। मुझे यकीन है कि सारी शैतानी ताकतें इस बरहक कलाम की तासीर से असीर हो जाएंगी, इमरान ने कहा, तो सबने असबात में सर हिला दिए। इमरान ने बोतल का ढक्कन खोला और मुंह ही मुंह में पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक वो पढ़ता रहा और फिर उसने पानी में फूंक मारी और ढक्कन बंद कर दिया। आओ अब इस गार में चलें, इमरान ने कहा, और आगे बढ़कर उसने बोतल का ढक्कन खोला और बोतल में मौजूद पानी को इस गार के दहाने की साइड दीवारों पर छिड़कना शुरू कर दिया, और साथ साथ वो अंदर जा रहा था, उसके साथी भी उसके पीछे थे। ये सुरंगनुमा रास्ता था, जो आगे जाकर मुड़ा तो सामने एक वसी गार था जिसके आखिरी हिस्से में एक पुजारी खड़ा था, जबकि मोड़ के साथ ही एक देव हैकल जिन दोनों हाथ फिजा में फैलाए खड़ा था। उसका चेहरा अजीब उल खलकत था, दोनों आंखों में सफेदी थी लेकिन उसका पूरा जिस्म इंसानों जैसा था। हाह हाह हाह, आ गए तुम मरने के लिए पाकिस्तानी चूहो, मेरा नाम प्रोश है, प्रोश। अभी तुम्हारी कुचली हुई लाशें यहां पड़ी हुई होंगी, प्रोश ने बड़े फातिहाना लहजे में कहा ही था कि इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से पानी उसके जिस्म पर उछाल दिया,
जैसे ही पानी उस पर पड़ा तो वो चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल एक धमाके से नीचे गिरा और यूं तड़पने लगा जैसे किसी आदमी के जिस्म पर बैक वक्त सैकड़ों कोड़े मार दिए हों। मुझे यहाँ से ले चलो, उसी लम्हे उस पुजारी ने चीखते हुए कहा। लेकिन इमरान ने पानी को पूरी कुव्वत से पुजारी पर उछाल दिया और पुजारी बुरी तरह चीखता हुआ नीचे गिरा और उसके साथ ही किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गई। जबकि पुजारी मुसलसल चीख रहा था और फर्श पर पड़ा तड़प रहा था, जबकि वो जिन तेजी से उठने लगा कि जोसेफ बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उसने पूरी कुव्वत से दोनों हाथों उठते हुए जिन की दोनों आंखों पर मार दिए। उसके साथ ही वो पीछे हटा और फिर गार मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही उस जिन की चीखों से गूंज उठी। जबकि वो पुजारी अब बेहद हरकत पड़ा था और जिन गार के फर्श पर बुरी तरह तड़प रहा था कि अचानक उसका जिस्म अपनी जगह से गायब हो गया और उसके साथ ही जोसेफ ने एक तवील सांस लेते हुए मशीन पिस्टल वापस जेब में रख लिया। क्या हुआ, क्या ये भाग गया है, इमरान ने कहा। नहीं बॉस, वो फना हो गया है, जोसेफ ने कहा। क्या मतलब, इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, आपने उस पर जो पानी छिड़का था उसे बचने के लिए उसने अपना चेहरा भी इंसानों जैसा बना लिया था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें इंसानों जैसी हुई मैंने उसकी आंखें निकाल दी और आंखें निकलते ही उसके अंदर का शैतान निकलकर भाग गया। मैंने उस पर फायर खोल दिया और फिर ये गायब हो गया। विच डॉक्टर बोरोकानी बताता है कि जब कोई जिन इंसानी रूप में शिकार होकर गायब हो जाए तो फिर समझो कि वो फना हो गया। अब उसकी लाश जिनों के कब्रिस्तान में पहुंच जाएगी और फिर उनकी मर्जी, वो उसका जो करें, जोसेफ ने कहा। चलो, जो कुछ हुआ अल्लाह ताला का कर्म हुआ है, अब इस पुजारी का भी खत्म कर दें, उसे घसीट कर बहर ले आओ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ तेजी से आगे बढ़ा, उसने पुजारी की टांगे पकड़ी और उसे घसीटता हुआ गार के दहाने की तरफ ले गया। इमरान अपने साथियों समेत बाहर आ गया था। उसी लम्हे पुजारी घिसटने की वजह से होश में आ गया। महापुरुष, इन्हें हलाक कर दो, महापुरुष, उन्हें हलाक कर दो, यकलख्त शरीफ पदम ने चीखते हुए लहजे में कहा। तुम्हारे महापुरुष पहले ही खत्म हो चुके हैं, उठकर खड़े हो जाओ और बुलाओ अपनी शैतान कुवतों को जिनके सर पर तुम पूरी दुनिया के मुसलमानों के खात्मे का दावा कर रहे थे, इमरान ने कहा। वो मेरी कोरिश कहां गई, ओह ओह, वो परोश जिनका क्या हुआ, ये सब क्या हो गया, मेरी कोई ताकत भी यहाँ मौजूद नहीं है, तुमने क्या किया है, तुमने मुझ पर क्या फेंका था, शरीफ अदम ने यकलख चीखते हुए कहा। वो पानी जिस पर अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा गया था, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ में मौजूद बोतल में मौजूद बाकी पानी भी शरीफ अदम पर उछाल दिया। शरीफ अदम एक बार फिर चीखता हुआ नीचे गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। काशाम जादू मेरा इंतकाम लेगा, काशाम जादू पूरी दुनिया के मुसलमानों का खात्मा कर देगा, ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप, काशाम जादू से तुम न बच सकोगे, शरीफ अदम ने तड़पते और चीखते हुए कहा। तो इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और उसके साथ ही तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही गोलियां बारिश की तरह जमीन पर पड़े हुए शरीफ पदम के जिस्म पर पड़ने लगी और चंद लम्हों बाद ही वो साकित हो गया और उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थीं। इमरान साहब, इसकी शैतानी ताकतें कहां चली गई, साले ने कहा। उस पर आयतुल कुर्सी पड़ा हुआ पानी पड़ गया है, अब कोई शैतानी ताकत ना उसके करीब आ सकती है और ना उसका हुक्म मान सकती है। जहां रोशनी हो जाए वहां अंधेरा कैसे रह सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो साहब ने इस बात में सर हिला दिए। क्या महापुरुष रंजीम अब भी मौजूद होगी, जोलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि ये इस शैतान पुजारी की बनाई हुई तंजीम थी और अब अगर उसके कुछ आदमी रह भी गए होंगे तब भी वो गैर मोसर हो गए होंगे। इस मिशन का एक फायदा ये भी हुआ कि ये शैतान तंजीम महापुरुष भी ख़त्म हो गई है, ये लाजमन इस सारे इलाके में मुसलमानों के खिलाफ काम करती रहती होगी, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, अब काशाम जादू का क्या होगा, साले ने पूछा। अगर जोलिया और साले को अगवा कराने के जवाब में महापुरुष तंजीम और इस पुजारी का खात्मा हो सकता है तो जो जादू पूरी दुनिया के मुसलमानों के खात्मे के लिए मौजूद है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है, उसका खात्मा तो इससे भी ज्यादा जरूरी है, इमरान ने जवाब दिया।
वो सब अब उस फाटक की तरफ बढ़े चले जा रहे थे जिसके करीब हेडक्वार्टर था। वहां एक जीप मौजूद थी और अब उनका प्रोग्राम उस जीप के जरिए फाटक खोलकर बैठ जाने का था। बॉस, पहले तो आप इसका शाम जादू को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, टाइगर ने कहा। हाँ, क्योंकि सैयद चिराग शाह साहब उसे अहमियत नहीं दे रहे थे, इसलिए मेरा ख्याल था कि उसकी ऐसी अहमियत नहीं है कि हम उसके खिलाफ बकायदा काम करें। लेकिन इस शैतान पुजारी ने जिस अंदाज में मरते हुए का शाम जादू के बारे में बात की है, उसे ये बात साबित होती है कि इस जादू का खात्मा जरूरी है। ये वाकई मुसलमानों के लिए खतरा बन सकता है, इमरान ने कहा। तो क्या अब आप यहां से सीधे इधर का शाम जादू के खात्मे के लिए जाएंगे, साले ने कहा। नहीं, हम यहां से पाकिस्तान वापस जाएंगे। तुम्हें और जोलिया को तो इसलिए साथ भेजा गया था कि तुम्हें मालूम हो सके कि तुम्हारा चीफ तुम्हारा किस कदर ख्याल रखता है, इमरान ने जवाब दिया। चीफ वाकई अजीम है, जोलिया ने कहा। और मैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पत्थर हो, सिर्फ पत्थर, जोलिया ने कहा और उसके साथ ही उसने मुंह फेर लिया और साले बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।